नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बड़ी खबर, 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं बहरोड विधायक बलजीत यादव ने नदबई मुख्य बाजार में काले कपड़े पहनकर युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस दौरान बहरोड विधायक ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने के बारे में बताया। साथ ही पेपर लीक मामले में कानून बनाकर कार्रवाई करने व युवाओं के लिए प्रदेश में 5 लाख सरकारी भर्ती निकालने की मांग की। विधायक ने नदबई में रेलवे फाटक से नगर रोड स्थित पानी की टंकी तक दौड़ लगाए। इस दौरान अलग अलग संगठन पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा में ये संकल्प लिया था कि मैं 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, क्योंकि सरकार ने एक साल पहले मुझसे कमिटमेंट किया था। मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वयं वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन वो मांगे इसमें जो बजट सत्र चला इसमें पूरी नहीं हुई। हमारी मांग है 5 लाख सरकार भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, पेपर लीक में शामिल हैं बड़ी मछलियाँ उनको अंदर डालें और एक कानून बनाए राजस्थान की सरकार। जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियां अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी हैं, राजस्थान सरकार भी ऐसा ही कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी पर रखा जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय बच्चों को रखा जाएगा। दूसरा है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। किसान की फसल का सही दाम नहीं मिलता, किसान बर्बाद होता जा रहा है। किसान की फसल को सही दाम पे सही समय पे सरकार खरीदे। ये बाजरे की खरीद भी MSP पे तक पे नहीं होती है, उसमें वो खरीदे सरकार। प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुले, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हो ताकि वो पढ़ सकें। सरकारी स्कूल में उनकी दशा खराब है, उनकी दशा सुधारे राजस्थान की सरकार। CHA के साथ में उनकी मांग पूरी करे, थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर खोले, इंटर डिस्काउंट ट्रांसफर की मांग उसको पूरा करे। विधान के मित्र पंचायत सहायक ये सब भटक रहे हैं बेचारे, इनकी मांगों को पूरा करे सरकार। इन्हीं चीज़ों को लेकर के और संकल्प लिया था, उसके तहत आज 149वीं विधानसभा है नदबई में यहाँ पे आया और लोगों का स्नेह सब जगह जो मिल रहा है, साथ मिल रहा है, इस बात को प्रमाणित करता है कि 14 सूत्री मांगे अकेले बलजीत यादव